हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंसोमिया स्टूडियोस मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ म्यूजिक प्रोडक्शन टिप थ्री के बारे में सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो गाइस म्यूजिक प्रोडक्शन टिप थ्री और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी मिक्सिंग इंप्रूव कर सकते हो सो अब मैं डायरेक्टली बात करता हूँ बहुत शॉर्ट वीडियो होती है ये सो जब हम मिक्सिंग करते हैं ना हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है कि हम एक ट्रैक सुने जो कि काफी बेस बूस्टेड हो आप मेरी बात आराम से समझना और ये चीज सोचना कि जब आप म्यूजिक अपना ट्रैक को मिक्स करते हो सो आपके मन में क्या आता है कि ट्रैक अच्छा पंची साउंड करे लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि जो हम सुन रहे हैं साउंड वो सुन रहे हैं हम अपने स्टूडियो मॉनिटर्स पे या फिर स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन्स पे और जैसा कि आपको पता होगा दोनों के दोनों ही होते हैं फ्लैट साउंड आई I मीन mean, जो प्रोड्यूस करते हैं स्टूडियो मॉनिटर्स या स्टूडियो हेडफोन्स वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लैट साउंड लेकिन हम क्या करते हैं हम उसको ज्यादा बेस उसमें ऐड कर देते हैं कि हमें बेस सुनाई दे हमें फ्लैट साउंड सुनने की आदत डालनी होगी नहीं तो ये स्टूडियो मॉनिटर्स या फिर स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन्स दोनों बेकार हैं क्योंकि हम अपने मन से चल रहे हैं हम इनके साउंड से नहीं चल रहे हैं हम अपने मन से चल रहे हैं यार इसमें बेस नहीं आ रही है खोल दो सो यहाँ पे तो वो बेस बूस्टेड हो जाता है लेकिन अगर आप देखो वो फ्लैट साउंड से उसने अगर बेस बूस्टेड कर दिया सो ट्रैक आपका ढंग से सेट नहीं हुआ एंड जब आप उस ट्रैक को कहीं बाहर प्ले करोगे सो बेस उसमें इतनी आएगी फेस कैंसलेशन होगा काफी ज्यादा इश्यूज होंगे एंड आपका ट्रैक मडी साउंड करेगा लेकिन अगर आपने यही चीज जब आप मिक्स कर रहे हो अपने स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन्स पे या फिर स्टूडियो मॉनिटरिंग आई मीन स्टूडियो मॉनिटर्स पे सो फ्लैट साउंड सुनने की आदत डालो कि बेस रखनी है लेकिन एक लेवल से रखनी है पूरा ट्रैक एक अच्छा साउंड करे ये नहीं कि मुझे उसमें बेस सुन, सुनाई नहीं दे रही है सो मैंने बेस ऐड कर दी ये म्यूजिक जो प्रोडक्शन की टिप थी ये मैंने इसलिए शेयर करा क्योंकि ये प्रॉब्लम आई मीन ये जो मिस्टेक थी ये मैंने खुद करी थी अपने ट्रैक में एंड तब मेरे को समझ में आया सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना तो बनता है सो ध्यान रखना मिक्सिंग के टाइम पे ज्यादा बेस को मत खोलना मत सोचना क्योंकि आपका दिल और दिमाग हमेशा बोलेगा बेस केक, पंच मुझे चाहिए लेकिन अगर आप अच्छे से साउंड करोगे सेट उसमें सो आपको एक अच्छा ट्रैक मिल जाएगा सो आई होप ये म्यूजिक टिप आपके लिए हेल्पफुल रही हो सो so अगर वीडियो अच्छा लगा है सो so वीडियो को कर देना लाइक चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज है सो so आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो मैं उनका रिप्लाई करूंगा या फिर उस पर वीडियो बना दूंगा सो so आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में